एकता कपूर ने आज जो बात कही है उस बात को सुनकर ऐसा लगता है कि एकता कपूर सीधे सीधे तौर पर मीडिया वालों को और ट्रोलिंग करने वालों को एक जवाब दे रही हैं कि जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं, चाहे मुझ पर कितने भी इल्जाम लगा लो, चाहे मेरी ट्रोलिंग कर लो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सही बात है, भारतीय सेना के ऊपर इतना आपत्तिजनक कॉन्टेंट बनाया उसके बाद भी पद्मश्री जिसे मिल रहा है तो उसका घमंड तो सातवें आसमान पर चला ही जाएगा। एकता कपूर ने कहा है, मैंने 17 साल की उम्र से काम करना शुरू किया था और पहले 10 साल में मुझे काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मेरे करियर की शुरुआती में ही लोगों ने मुझे अजीब किस्म के नाम दिए थे। मुझे याद है उस जमाने में ऑर्कुट ऐप काफी पॉपुलर था, उसमें सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक था कि हम एकता कपूर से कैसे नफरत करते हैं। उस वक्त मैं सोचती थी कि लोग मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं। मैंने छोटी उम्र से ट्रोलिंग का सामना किया है, अब भी कर रही हूँ। अब इस पड़ाव तक आने के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं और सोचते हैं, मेरी चमड़ी जो है वो मोटी हो गई है। साथ में ये भी कहती है कि मुझे दीपिका और रणवीर के साथ काम करने हैं। भाई बिल्कुल काम करने हैं, क्योंकि ये लोग ही तो है जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में पड़े रहते हैं। चाहे इनकी फिल्म की बात ले लो, चाहे गांजा फूकने की बात ले लो, या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़े होकर बात कर लो, तो जहां पर कंट्रोवर्सी होती है बॉलीवुड अक्सर वहीं पर चले जाता है। तो एकता कपूर ने तो साफ साफ कह दिया है कि मेरी कितनी भी खिंचाई कर लो, मुझे गालियां दे दो, ट्रोलिंग कर लो, मेरी चमड़ी जो है वो गेंडे जैसी मोटी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है।